बच्चे हेलो करो। हेलो कैसे हो आप सर? तो आज हम कहीं जा रहे हैं, मतलब मेरी मम्मी लोग हम सब जा रहे हैं, तो आप देखना कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ, बहुत अच्छी जगह ले जा रही हूँ, एक एक सीन दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। तो बस वहीं निकल रहे हैं हम, जिया जी लोगों के साथ जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग निकल चुके हैं देहरादून से। हम आ चुके हैं ऋषिकेश हरिद्वार में, और ये शिवजी जी की मूर्ति बहुत अच्छी है। ये मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में दिखाई है जब हम गए थे लखनऊ, तो अभी हम वहाँ से भी आगे आ गए हैं और हम पहुँच गए हैं कोटद्वार। तो कोटद्वार का मैं आपको यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, बहुत ही फेमस सिद्ध बली बाबा का मंदिर है, वो यहाँ से आपको दिखाऊँगी। तो मैं तो वहाँ पर दो चार बार गए हुई हूँ, उनके दर्शन करे हुए हैं, और इस बार हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें सच में लेट हो रहा था इस वजह से। तो हमने यहाँ से उन्हें प्रणाम कर लिया था सिद्धबली बाबा को, और आप लोग भी इनसे आशीर्वाद लीजिए क्योंकि ये बहुत माने हुए हैं सिद्धबली बाबा यहाँ कोटद्वार के। तो अभी कोटद्वार से हम आगे निकल चुके हैं, और जो कोटद्वार के बाद जो एरिया लग जाता है वो सारा पहाड़ी एरिया लग जाता है। तो यहाँ पे पूरा पहाड़ पहाड़ आपको दिखेंगे, और बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया कि मैं मतलब कैमरे पर इसे कैप्चर ना करूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हम कोटद्वार से आगे निकले, बिल्कुल कोहरा था। बस ये है कि रोड में कुछ भी कोहरा नहीं था, लेकिन जो पहाड़ी पहाड़ थे और यहाँ पे पेड़ वगैरह थे, यहाँ बहुत कोहरा था। अब मैं अपने हाथ से साफ शीशा साफ कर करके आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रही थी। तो नीचे जो गांव थे, इतने सारे मकान थे बट वो दिख ही नहीं देते क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था यहाँ पर। तो हम लोग जो जा रहे हैं गढ़वाल। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गुमखाल, और जो यहाँ गढ़वाल से हैं उनको जरूर पता होगा गुमखाल जो पौड़ी गढ़वाल से हैं, और ये गुमखाल है। और इसके बाद आ जाएगा सतपुली, और सतपुली के बाद आएगा संगला कोटी जो कि मेरा ननिहाल है, मेरी नानी का घर है यहाँ पर। तो यहाँ के व्यूज़ इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैं भी काफ़ी साल बाद यहाँ पर आ रही हूँ, और ये पूरे चीड़ के पेड़ हैं। और इसके बाद आ जाएगा सतपुली जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। साइड हो जाओ। हाय, हेलो, इतनी तेज हवा चल रही है, कितना ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और हवा भी इतनी अच्छी चल रही है ना, अच्छी चल रही है, ये अच्छी चल रही है, खतरनाक चल रही है, बोलो इतनी अच्छी चल रही है हवा तो। हां चलो, मम्मी पापा बुला रहे हो तो आ बेटा, उधर चाय पियेंगे ना। अच्छा रुको, ऐसे बेटे घर नहीं है ये, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हम लोग सतपुली पहुंच गए हैं अभी, और यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, हवा चलती है बहुत ज़ोरों की, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब दिखाने लायक हो रखा है और देखने लायक हो रखा है। और इधर नीचे नदी है जो मैंने आपको दिखा दी है, इधर मम्मी और नानी है, नानी को उल्टी होती है तो थोड़ा सा नानी परेशान हो रही। हेलो, तो कैसा लग रहा है मम्मी आपको? आपको तो अच्छा लग रहा होगा, आपका माइक कहाँ के आने वाला है। बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी। हाँ बट नानी थोड़ा परेशान है क्योंकि उनको उल्टी वगैरह होती है ना इसलिए। और आशी और ऐशु चले गए आगे, पापा लोगों के साथ चले गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। इस टाइम पे कितने बज रहे हैं? इस टाइम 4 बज रहे हैं, 4:30।
तो 4:30 बज गए हैं और हम चाय पीने जा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ पे एक नागपुर नदी दिखाती हूँ। चलो, तो हमने चाय वगैरह सब कुछ पी लिया और अब हम जा रहे हैं। अभी हम सतपुली पहुंच गए हैं। अभी हम तो हमने चाय पानी सब कुछ पी लिया है और हम जा रहे हैं। अब मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ, अपनी नानी के घर जा रही हूँ। आप लोगों को भी दिखाऊंगी अपनी नानी का घर। बहुत प्यारा है, मेरी नानी का घर है ना नानी, है ना? हाँ, बहुत प्यारा है। चलो, हाँ, झोपड़ा महल है, मेरे नानी का महल। झोपड़ा झोपड़ा नहीं है, महल है। झोपड़ा नहीं बोलना चाहिए, महल बोलना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं और व्यू देखो कितना मस्त है और ये पूरा गढ़वाल है। अभी हम मैं अपनी नानी के घर पहुँचने वाली हूँ, संगला कोटी। सतपुली से हम लोग आगे निकल गए हैं और थोड़ा सा रुकने क्योंकि नानी को बार बार प्रॉब्लम हो रही है ना उल्टी की, तो रुके हैं थोड़ा सा। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, जैसे कुमाऊँ है ना वैसे ही गढ़वाल है। बहुत अच्छा, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ होते हैं, बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन सा देख के मन इतना खुश हो रहा है। पहाड़ों में आके तो अच्छे से अच्छे लोगों का मन अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा, हवा इतनी प्यार अच्छी चल रही है। मम्मी वहाँ पे खड़ी हुई है, हेलो कर दो मम्मी। हेलो। तो जो मेरे छोटे वाले मामा जी, सबसे छोटे वाले मामा जी है ना, उनके बेटे का मुंडन है। तो वहाँ मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कहाँ जा रहे हैं, तो उनके बेटे का मुंडन है तो हम मुंडन में जा रहे हैं। मेरा एकदम से प्लान बना है तो मैं आपको पहले से बताती, तो रात को ही मम्मी का फ़ोन आया कि चल ले। तो रात को मैंने 1 बजे तक पैकिंग कर रही है और फटाफट से सुबह हम निकल चुके हैं। तो वो देखो वहाँ पे घर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और रास्ते में पूरा कोहरा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी जगह में आके मन खुश हो जाता है और जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा शांत और फ्री हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आई होप आपको जो मेरी नानी का क्या बोलेंगे, नानी का घर है और जो जगह है उनकी बर्थ प्लेस है, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। कितना अच्छा लग रहा है ना, और यहाँ से रोड है, ये रोड जा रही है और इधर पूरा पहाड़ है, नीचे भी घर है ऊपर भी घर है। बहुत अच्छा लग रहा है। आशी और है, आशी कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है, और नीचे को बिल्कुल सड़क है और यहाँ को पूरे मकान दिख रहे हैं। ऐशु कैसे लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तो ये दोनों पहली बार आ रहे हैं गढ़वाल। कुमाऊँ तो हम जाते रहते हैं लेकिन गढ़वाल ये लोग पहली बार आ रहे हैं। हम तो जाते हैं, हम आज बचपन में भी गए हैं, वैसे भी जाते रहते थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है है ना? बस और क्या बात है, अब वहीं पे नानी के घर में मिलेंगे हम। मतलब हमारी पूरी फैमिली आ गई है, मौसी आ गई है, मामा जी लोग आ गए, मेरा भाई आ गया है और भाई हैं वो भी आ गए हैं, सब आ गए हैं। तो बट मेरी बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर नहीं आए हैं क्योंकि छोटी सिस्टर का बेटा भी छोटा है इस वजह से, और बड़ी वाली को छुट्टी नहीं मिली है इसलिए वो नहीं आई है, तो हम लोग आ गए हैं, है ना? ठंडा भाप निकल रही मुझसे। हाँ, ठंडा क्योंकि भाई पहाड़ी घर, वही हमारे देहरादून में तो ठंडा है, यहाँ तो फिर और भी ठंडा है और कोहरा भी होता है जब जा रहे थे ना, तो कोहरा हो रहा था। तो बस अब नानी के घर जाके मिलेंगे आप लोगों से। आपको अपनी नानी का पूरा घर दिखाऊंगी और अपने फैमिली मेंबर्स से सबसे मिलवाऊंगी, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना दिखाऊंगी, ठीक है? तो बस अब नानी के घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। हम लोग पहुंच गए हैं अपनी नानी के यहाँ और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे छोटे वाले मामा जी की शादी हुई थी उस टाइम पर मैं आई थी यहाँ पर, और अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मामा जी लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया है और काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं टाइम के साथ। तो मेरा भाई इतना अच्छा है कि उसको पता था कि दीदी आएगी तो वो व्लॉग तो बनाती है, तो मैं दीदी का व्लॉग बनाऊँगा। तो जैसी हॉर्न की आवाज़ सुनी गाड़ी की उसने, वो एकदम से वीडियो बनाने लग गया था। मुझे इतना अच्छा लगा देख के ना कि चलो मेरा ये वाला व्लॉग कम्प्लीट हो गया है। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे नानी के यहाँ और बस अब सामान निकालेंगे मामा जी और आएँगे और
और हम लोग नीचे उतरेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सालों बाद हम गढ़वाल आ रहे हैं इस वजह से। तो ये मेरे मामा जी का बेटा है मोंटू, इससे भी काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि ये कोटद्वार में रहते हैं तो इतना मिलना होता नहीं है। और उधर मेरे मामा जी लोग सब आ गए हैं सामान वगैरह लेने के लिए, तो बस अब अंदर जाएंगे। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये व्लॉग हम लोगों के भी बहुत दिल के करीब रहेगा क्योंकि इसके बाद पता नहीं हम लोग कब यहाँ पर आए कुछ पता नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हैं मेरे छोटे वाले मामा जी, जो बड़े वाले मामा जी उनसे छोटे वाले हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। इनसे हम सबकी बहुत बनती है हमेशा से ही क्योंकि ये बहुत फ्रेंड जैसा नेचर है इनका। और आई होप आपको आज का व्लॉग सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको मिलेंगे क्योंकि देखो पहाड़ के व्लॉग अलग ही बनेंगे मुझे पता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे आने वाले व्लॉग्स। तो मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।